क्लास इलेवन चैप्टर टेन इंटरनल ट्रेड अब उसमें हमने पिछले वीडियो में होलसेलर होल सेल ट्रेड की बात करी इस वीडियो में हम रिटेल ट्रेड की बात कर रहे हैं इन सम डिटेल और ये सेक्शन टेन पॉइंट फोर है चैप्टर टेन का तो रिटेल ट्रेड क्या होती है इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स लाइक दे आर द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स की वर्ड यहाँ पर क्या है जी गुड्स सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स जैसा हमने पहले पिछले वीडियोस में देखा इसके एग्जांपल्स क्या हैं कपड़े स्वेटर्स पैकेज फूड दूध जो आपको रोज आता है मिल्क वेजिटेबल स्नैक्स सोप स्पेन्स ऑल आइटम्स ऑफ डेली यूज एट होम्स इज दे दे आर रिटेलर्स चाहे वो आपके घर के नीचे कृष्णा स्टोर हो या एक लाइफ एक बड़ी सी मॉल में हो

लिंक बिटवीन इंड कंज्यूमर्स एंड मैनुफैक्चर एंड होलसेलर सो अब जैसे पहले हमने वीडियो में देखा होलसेलर मैनुफैक्चर को कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है इस सेक्शन में हम ये कर रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को कौन सी सर्विसेज देता है ठीक है दोबारा रिटेलर कौन सी होलसेलर्स uh, और मैन्युफैक्चरर्स को किस तरह की सर्विसेज देता है क्या करता है वो रिटेलर्स आर एबल टू मेक गुड्स रीच मेकिंग गुड्स रीच एंड कंज्यूमर्स उनके पास क्या होता है दे ओन रिटेल स्टोर ठीक है जी चाहे कृष्णा स्टोर हो या लाइफ स्टाइल हो दे ओन द रिटेल स्टोर दे बी लार्ज मॉल्स लाइक आई सेड और कॉर्नर किराना शॉप इन आर रेजिडेंशियल कॉलोनीज वो पर्सनलाइज सेलिंग देते हैं कैसे देते हैं जी टू कंज्यूमर्स कैसे देते हैं पर्सनलाइज सेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके सेल्समैन होते हैं हमने पहले बात करी थी एक पहले वीडियो में जो रिटेल स्टोर में आप जाते हो या तो उस किराना शॉप का ओनर होता है कहता है जी ये वाला ना चिप्स आप गजक खरीदनी नहीं है नहीं जी ये इस कंपनी गुलाब की गजक खरीदोगे बड़ी टेस्टी है अब नहीं आई है मेरे पास ठीक है जी सो so, वो पर्सनलाइज सेलिंग सर्विसेज देता है ठीक है वो ऑफन टेल्स यू अबाउट एडवांटेजेस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट करेक्ट और So this, ये पर्सनलाइज सेलिंग वो कंज्यूमर के लिए कर रहा है मगर होल सेलर और मैन्युफैक्चरर को इसका बेनिफिट हो रहा है क्योंकि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को या होलसेलर को ये पर्सनलाइज सेलिंग कंज्यूमर को नहीं देने की जरूरत है क्योंकि रिटेलर कर रहा है करेक्ट तो इवन दो दिस इज अ डायरेक्ट बेनिफिट टू कंज्यूमर इट इज अ बेनिफिट टू द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑल्सो फिर वो क्या करता है कंज्यूमर बिहेवियर लोग क्या पसंद कर रहे हैं क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे हैं उसकी इनसाइट उसकी इनसाइट उसकी जानकारी मैन्युफैक्चरर्स uh, को और होल को दे रहा है कि यार बिहेवियर कैसा है यार आजकल ना ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक होना चाहिए तो ये वाले लोग ये वाले चिप्स खा नहीं रहे हैं फॉर एग्जांपल इसमें ऑर्गेनिक आलू नहीं लिखा है एज एन एग्जांपल कुछ भी इस तरह का या उसमें ऑयल जो यूज कर रहे हो पाम ऑयल यूज कर रहे हो आप वेजिटेबल ऑयल नहीं यूज कर रहे हो इसलिए लोग कह रहे हैं मैं नहीं खरीदना हमें वेजिटेबल ऑयल वाला खरीदना है पाम ऑयल सुना है टीवी में सेहत के लिए अच्छा नहीं होता एज एन एग्जाम्पल ये जैसे मैंने लिखा नो मैदा ब्रेड ए टू मिल्क देसी गाय का मिल्क है ना मैदा ब्रेड अब ये मैन्यूफेक्चरर ने अपने आप तो आजकल हंड्रेड परसेंट आटा ब्रेड पतंजलि के सारे बिस्किट जो आते हैं हंड्रेड परसेंट आटा के आते हैं बाबा रामदेव ने चाहे खुद से इंट्रोड्यूस करा हो मगर बाकी बिजनेसेस का कोई इंटरेस्ट नहीं था 100 परसेंट आटा बिस्किट इंट्रोड्यूस करने का या 100 परसेंट आटा ब्रेड इंट्रोड्यूस करने का नो मैदा वाली कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ तो उनको फोर्स हुए वो कि हमारा बिजनेस ना बंद हो जाए मैन्यूफैक्चर का उन्होंने देवर फोर्स टू चेंज द बिहेवियर फ्रॉम नो मैदा ब्रेड सम पीपल बाइंग दैट उनके लिए मैदा ब्रेड चलती है सफ़ेद वाली बट होल व्हीट ब्रेड हंड्रेड परसेंट ब्रेड भी आनी शुरू हो गई है ये कंज्यूमर बिहेवियर का इनसाइट्स in, इनपुट्स uh, कौन देता है टू द मैन्युफैक्चरर रिटेलर देता है किराना स्टोर देता है वो मॉल में जो स्टोर है वो देता है ठीक है अच्छा फिर क्या है कोई स्पेशल प्रोमोशन चल रहा है जी आज भी ईयर एंड में डिस्काउंट देना है तो वो डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है रिटेलर आगे पास ऑन कर देता है ठीक है जी इन्वेंट्री निकल जाए बड़ी सारी क्रिसमस सेल हो रही है दिवाली सेल हो रही है ऐसे सब करके ठीक है क्लियर हुआ रिपीट करता हूँ मेकिंग गुड्स रीच एंड कंज्यूमर्स पर्सनलाइज सेलिंग टू एंड कंज्यूमर्स गेटिंग इनसाइट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर टू देम एंड हेल्प इन रनिंग से स्पेशल सेल्स एंड थिंग्स लाइक दैट समझ में आया आगे बढ़ते हैं और वो कंज्यूमर्स को रिटेलर क्या क्या सर्विसेज देता है आप खुद ही सोचिए क्या सर्विसेज देगा रेगुलर अवेलेबलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ठीक है जी हर समय प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों ये कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है करेक्ट चिप्स खरीदने आए अगर चिप्स ही नहीं मिले तो वो क्या करता है स्टॉक करके रखता है रेगुलरली स्टोरेज करता है अपने पास मेक दम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स वन दे नीड दम ठीक है ब्रेड भी रखता है चिप्स भी रखता है सब मॉल में जाते हो तो स्वेटर्स मिलते हैं जब आप विंटर्स में जाते हो आप जैसे वो पिछले वीडियोस में देखा होल सेलर बहुत दूर होते हैं रिमोट होते हैं वहाँ पर कंज्यूमर नहीं जा पाता इतने बॉक्सेस में होते हैं उनके पास प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं होता दिस इज नॉट वॉट होलसेलर्स डू मैनुफेक्चरर्स ये काम नहीं कर सकते तो रिटेल स्टोर्स ये काम करते हैं उनका काम ही वही है डिस्प्ले करना मैनिकिन्स लगाना बेचना छोटी क्वान्टिटीज़ में सो दे मेक रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू दी एंड कंज्यूमर हेंस दिस इज़ अ सर्विस दैट रिटेलर्स प्रोवाइड टू कंज्यूमर्स ठीक है दे इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स टू देम नए होल नए मैन्युफैक्चरर्स आते हैं या एक पुराना मैन्युफैक्चरर नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है कोई नया डिजाइन इंट्रोड्यूस कर रहा है सो दैट्स अ बेनिफिट टू कंज्यूमर्स बट मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली नहीं जाता रिटेलर के द द मीडियम इज द रिटेलर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स ओके वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे हमने पहले वीडियोस में देखा था दी ऑफ uh, नंबर ऑफ ब्रांड्स और द टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट वेराइटी ठीक है वैरायटी डिज़ाइंस का भी कलर का भी ये सब जो है वो रिटेलर करता है रिटेलर इंश्योर करते हैं ठीक है देट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स एंड जैसे पोटैटो चिप्स आप जाते हो अपने किराना स्टोर में लेस का भी मिलता है केटल का भी मिलता है फलाना ढमकाना का मिलता है इसी तरह से आइसक्रीम अमूल की भी मिलती है मदर डेयरी की भी मिलती है ऐसा सो so ये किसका काम है रिटेलर का काम है और दैट्स अ बेनिफिट टू दी एंड कंज्यूमर और कन्वीनियंस ऑफ बाइंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये प्लीज़ याद रखने वाला है कुछ जो चीज़ें ना अब ये समझ में भी आ जाए बट यू विल हैव टू रिमेंबर दीज फॉर राइटिंग इन टेस्ट राइट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स वाइड सेलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स कन्वीनियंस ऑफ बाइंग जब आप सोचिए रिटेल स्टोर नहीं होता आपको चिप्स खरीदने होते तो आप चिप्स खरीदने पेप्सी की फैक्ट्री लुधियाना में थोड़ी जाओगे आपको तो अपने किराना स्टोर में जाना है या आप लुधियाना नहीं चलिए दिल्ली में सोच लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग एरिया है राई में बद्दी में या ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ भी नहीं जाओगे आपकी जो भी सिटी है वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं जाओगे आप अपने घर के स्टोर में जाओगे या मॉल में चले जाओगे तो वहाँ पर कन्वीनियंस ऑफ बाइंग है ठीक है अगर वो रिटेल स्टोर्स नहीं होते तो आपको लार्ज डिस्टेंसेज ट्रैवल करना पड़ता टू मैन्युफैक्चरर्स और लार्ज होल सेलर वेयर हाउसेज टू बाई स्मॉल क्वानिटीज यू में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है मतलब पचास माइल जाएंगे कई किलोमीटर टू बाय चीपर मिल जाएगा वहाँ पर रिटेलर होल कई बार ही रिटेलर्स को भी बेचते हैं उनका मॉडल छोटे रिटेलर्स को बट लार्जली उनका मॉडल इज रिटेल uh, स्टोर्स को बेचना बट जैसे हमने पहले देखा था पिछले वीडियोस में कि रिटेलर retailer, कुछ रिटेलर्स को भी बेच देते हैं सो दिस कन्वीनियंस ऑफ बाइंग गोज डाउन अब इंडिया में आप जाना शुरू कर दीजिए दूर दूर किलोमीटर तो पागल ही हो जाएंगे नहीं हो सकता सो दिस इज कन्वीनियंस ऑफ बाइंग वाइड सेलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट्स एंड अवेलेबिलिटी रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू एंड कंज्यूमर्स इज अ सर्विस दैट रिटेल ट्रेडर्स ऑफर टू कंज्यूमर्स करेक्ट थैंक यू